नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर पूर्व सैनिक, राष्ट्रपति से दखल की मांग, रक्षा मंत्री ने की संयम बरतने की अपील। भूमि बिल पर संसद की संयुक्त समिति की आज बैठक, किसान संगठनों के सुझाव पर करेगी विचार। ललित मोदी वीजा मामले में विदेश मंत्री के बचाव में पार्टी और सरकार, कांग्रेस ने मांगा सुषमा स्वराज का इस्तीफा, समाजवादी पार्टी ने किया समर्थन। बीएसएनएल की फ्री रोमिंग सेवा शुरू, 10 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा, बेहतर नेटवर्क के लिए लगेंगे 5000 बीटीएस टावर। और बारिश के चलते बांग्लादेश के खिलाफ फतेहउल्लाह टेस्ट मैच ड्रॉ, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में चौथे स्थान पर खिसकी टीम इंडिया, हरभजन बने सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले 9वें गेंदबाज। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सैनिक आज से भूख हड़ताल कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों का मानना है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। हालांकि रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों से धैर्य रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए हैं उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर रविवार से जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इससे पहले 10 दिनों के भीतर सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और वित्त मंत्री अरुण जेटली से इसी मुद्दे पर पूर्व सैनिक मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि ये एक जटिल मुद्दा है और सबसे बात करके सरकार इसे लागू करेगी। इवन इफ इट्स अ टोटली जस्टिफाइड थिंग, टू पार्लियामेंट्स हैव अप्रूव्ड इट, एवरी सिंगल नेशनल पार्टी हैज सेड यस दिस इज अ गुड थिंग टू डू, द वेरी फर्स्ट दैट वाज फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वाज कैरीड आउट इनटू दिस मैटर हैड सेड यस। एक खुले पत्र में पूर्व सैनिकों ने योजना के कार्यान्वयन के लिए एक निश्चित तारीख तय करने की मांग की। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन एक ज्वलंत और भावनात्मक मुद्दा है। बेईमानी है सरकार की, वो सैनिकों को कुछ देना नहीं चाहते। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मन की बात कार्यक्रम में वन रैंक वन पेंशन पर सहमति जता चुके हैं। ये मुद्दा बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा भी रहा। हालांकि सरकार बनने के एक साल बाद इस पर कोई स्पष्ट नीति नहीं बन सकी है, जिसे लेकर पूर्व सैनिकों में असंतोष है। पूर्व सैनिकों की इस मांग का समर्थन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी कर चुके हैं। वो इस मुद्दे को लेकर पूर्व सैनिकों से भी मिल चुके हैं। कांग्रेस और यूपीए सरकार ने निर्णय लिए हैं, उनका विरोध करते रहे और आज उनका श्रेय ले रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन में भी निर्णय यूपीए का, श्रेय लेने मोदी जी खड़े हुए हैं और अब एनडीए सरकार भाजपा वादा खिलाफी कर रही है। वायदों की तरह से जो चुनाव में हसीन वायदे किए गए थे, ये भी एक झूठा और हसीन वायदा साबित हुआ। ना काला धन आया, ना अपराध पे रोक लगी, ना वन रैंक वन पेंशन मिली, ना किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। ये धोखा की सरकार है। जो काम 40 वर्षों तक नहीं हो सका वो हमारे सरकार के दौरान होगा, ऐसा आश्वासन प्रधानमंत्री जी ने दिया है और तमाम हमारे एक सर्विस बंधुओं को थोड़ा धैर्य के साथ प्रधानमंत्री पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरे कार्यकाल के आखिरी दिनों में यूपीए सरकार ने इस मांग को मान लिया था और 500 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए थे। वहीं नई सरकार ने जब इस पर आ रहे खर्च का ब्यौरा निकाला तो ये आंकड़ा करीब 8300 करोड़ रुपए पर चला गया। सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर पूर्व सैनिकों की ये मांग मान ली गई तो अर्धसैनिक बलों की ऐसी ही मांग भी पूरी करनी होगी। नौकरी में रहते तमाम जिंदगी दुश्मनों के साथ संघर्ष करने वाले इन पूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने सम्मान और अधिकार के लिए एक बार फिर से संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। इनको उम्मीद है कि इस बार शायद इनको वन रैंक वन पेंशन मिल जाए और ये सम्मान का जीवन व्यतीत कर सकें। दिल्ली से जितेंद्र के साथ रविंद्र सिंह शोरण, राज्यसभा टीवी। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरण इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। रविंद्र, कल धरना प्रदर्शन, अब बात की जा रही है भूख हड़ताल की, साथ ही राष्ट्रपति से दखल की मांग की गई है, लेकिन जिस तरह से रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी आश्वासन दिया, क्या उसका कोई असर नजर आ रहा है? किस तरह की रणनीति अपना रहे दबाव को लेकर?
वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर समेत 50 जगहों पर रविवार को पूर्व सैनिकों ने अपना प्रदर्शन शुरू किया और आज से इस मुद्दे पर पूर्व सैनिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। हालांकि रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों को धैर्य रखने की बात जरूर कही और उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, लेकिन इसका असर कितना हो रहा है इस आश्वासन का जानने के लिए रुक करते हैं संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान का। रविंद्र, फिर से एक बार रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आश्वासन दिया, प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि थोड़ा वक्त दीजिए ये मसले को सुलझाने के लिए, वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए, क्या इसका कोई असर नजर आ रहा है? देखिए, असर की जहां तक बात है तो पूर्व सैनिक क्योंकि धरने पर पहले ही बैठ चुके हैं इसलिए इसका फिलहाल कोई असर साफ होता हुआ दिख नहीं रहा है। दूसरी बात, एनडीए पर जो है भरोसा जो पूर्व सैनिकों ने किया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था, बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में चुनाव के पहले, तब सबसे पहली जो रैली इन्होंने पूर्व सैनिकों के संबोधित की थी हरियाणा के रेवाड़ी जिले में, वहां पे इन्होंने वादा किया था कि वन रैंक वन पेंशन को लेके आया जाएगा। उसके बाद लगातार हर चुनावी रैली में ये लोग वादा करते रहे बीजेपी की तरफ से, उसके बाद घोषणा पत्र में भी इस बात को डाला गया, फिर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया। लेकिन पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि एक पूरा साल बीत गया है और सिर्फ आश्वासन हमको मिल रहे हैं, जबकि यूपीए की सरकार जब थी उस वक्त इस पे कुछ प्रभावी कदम उठाए गए थे, लेकिन एक साल होने के बावजूद भी अभी तक किसी तरह का कोई ठोस कदम इसकी तरफ बढ़ता हुआ एनडीए की तरफ से फिलहाल नहीं दिख रहा है, इसलिए इनके आश्वासन जो है वो कोरे आश्वासन साबित हो रहे हैं। पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि अब जो है हम लोगों को संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है जो कि पूर्व सैनिकों के सहयोग की बात करती थी, सहयोग के नाम करके इन्होंने हमसे वोट ले लिया और अब जब अपना वादा निभाने का समय आया है तो वो लोग हमारा वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। कल से आज यानी कि रविवार के समय से ये लोग हड़ताल पर बैठ गए हैं, जो सोमवार से यानी कि आज सवेरे से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जो कि पंजाब का इलाका जलंधर का जो पूर्व सैनिकों का बेल्ट है, सबसे पहले वो लोग आज हड़ताल पर बैठने वाले हैं भूख हड़ताल पर, और ये चेन हंगर स्ट्राइक रहने वाली है। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान जो पूर्व रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनके नेतृत्व में ये सारा आंदोलन खड़ा हो रहा है। उनका ये कहना है कि क्योंकि पूर्व सैनिक जो है वो बहुत लंबे समय तक, एक सैनिक जो है बहुत लंबे समय तक नौकरी नहीं करता है, आमतौर पर 40, 45 और 50 साल की उम्र में उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, जबकि जो प्राइवेट और दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं वो 60, 65 साल तक नौकरी करते हैं, इसलिए उनके साथ पहले भी आप नौकरी को घटा देते हैं उनकी, और जबकि वो यूथ होते हैं, यंग होते हैं, तब आप जब उनको रिटायरमेंट दे देते हैं तब वो लोग जब घर में लौट के आते हैं तो उसके पास डिस्पेरिटी होती है उनकी पेंशन में भी। जो एक सूबेदार मेजर या सूबेदार जो है 10 साल पहले रिटायर हो गया उसकी सैलरी, उसकी जो पेंशन है, और आज जो रिटायर होता है उनकी पेंशन में डिस्पेरिटी होती है। जब एक रैंक है एक पेंशन है, दुश्मन की गोली के सामने सब लोग बराबर खड़े होते हैं, तो ये डिस्पेरिटी क्यों होती है? इस बात को लेकर के वो लोग कहते हैं कि ये हमारे असम्मान की बात है, हम लोगों को अगर सरकार सम्मान देना चाहती है तो कम से कम इसमें पैरिटी लेके आए और सबको एक समान सैलरी और जो हम लोगों को पेंशन दी जाती है वो सब और दूसरी सुविधाएं जो है वो सब देनी चाहिए। जी, क्या पता लग पा रहा है कि आज क्या कोशिश की जा सकती है सरकार की तरफ से बातचीत को लेकर? देखिए, सरकार लगातार कोशिश अपनी तरफ से कर रही है कि इस मुद्दे को कहीं ना उठाया जाए ज्यादा, क्योंकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हो या जनरल दलबीर सिंह सुहाग, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस आंदोलन को ज्यादा ना उठने दिया जाए और किसी तरीके से मना लिया जाए। प्रधानमंत्री भी लगातार, उम्मीद है कि आज शायद प्रधानमंत्री की तरफ से भी कोई बयान इस मुद्दे पर आए, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को जल्दी सुलझा लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि इंटर मिनिस्ट्रियल बेसिकली मामला हो गया है, इसमें फाइल जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी आएगी, तो कुछ जो पूर्व सैनिक है वो अरुण जेटली को भी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर, उनको भी अक्यूज कर रहे हैं कि उनके वजह से ये सारा मामला रुका हुआ है। अल्टीमेटली ये पूरा जो प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर जो आने वाला है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही इसको क्लियर करेगी, तो इंटर मिनिस्ट्रियल होने के बाद वजह से ये मामला किसी एक मंत्रालय से संबंधित नहीं रह जाता है। इस वजह से जरूरी है कि प्रधानमंत्री को ही इसमें किसी तरह से हस्तक्षेप करके पूर्व सैनिकों की बात। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवीन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो पूर्व सैनिक भूख हड़ताल कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर, और ये भी साफ किया है कि उनका ये प्रदर्शन किसी सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि अपनी मांगे मनवाने को लेकर है। आइए आगे की खबरों का रुख करते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को ब्रिटेन में यात्रा दस्तावेज दिलाने में मदद देने के आरोपों से घिर गई हैं, जिसके बाद विपक्ष ने सुषमा के इस्तीफे की मांग की, जबकि सरकार और पार्टी उनके समर्थन में उतर आई है।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ब्रिटिश उच्चायुक्त से आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज हासिल करने में सिफारिश करके विपक्ष के निशाने पर आ गई हैं। सुषमा स्वराज ने अपने बचाव में कहा है कि उन्होंने ललित मोदी की मानवीय आधार पर मदद की। स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि ललित मोदी की पत्नी कैंसर की मरीज हैं, लिहाजा पत्नी की सर्जरी के सिलसिले में उनका पुर्तगाल जाकर दस्तखत करना जरूरी था। सुषमा ने यह भी कहा कि उन्होंने ब्रिटिश उच्चायुक्त से ललित मोदी के आग्रह पर नियम कायदे के तहत ही कार्रवाई करने की सिफारिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग की है। भारत के विदेश मंत्री ऐसे व्यक्ति की सिफारिश कर रही हैं जो कि भारत से के कानून से भगोड़ा साबित हो गया है। मैं अपील करता हूं सुषमा जी से कि वे मॉरल ग्राउंड पर तत्काल इस्तीफा दे दें। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं समेत प्रधानमंत्री जी की भूमिका संदेह के घेरे में है, वित्त मंत्रालय की भूमिका संदेह के घेरे में है और एक व्यापक वक्तव्य इस देश के समक्ष श्री नरेंद्र मोदी दें, क्योंकि आम जनमानस की भाषा में कहें तो आज आम जनमानस पूछ रहा है कि क्या मोदी मोदी की मदद कर रहे थे। विपक्ष ने सुषमा स्वराज पर ब्रिटिश लॉ डिग्री कोर्स में भतीजे के दाखिले के लिए लेबर पार्टी के नेता कीथ वॉस से मदद लेने का आरोप भी लगाया। हालांकि पार्टी और सरकार ने पूरे मामले पर सुषमा का बचाव किया है। किसी भी व्यक्ति को मानवीय आधार पर उसकी पत्नी की कैंसर का इलाज करने के लिए जब उसके सिग्नेचर की जरूरत हो तब सहायता करने में कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं बनते। सुषमा जी ने जो कुछ भी किया है वह ठीक किया है और एक मानवीय संवेदना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यही करना चाहिए जो उन्होंने किया है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर को केवल इतना ही उन्होंने कहा था कि जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस इजाजत देते हों उन रूल्स रेगुलेशंस के आधार पर आप कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ललित मोदी लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। 2010 में उन पर भारत में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। अखिलेश सुमन के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस के अलावा भी तमाम विपक्षी दलों ने इस मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कड़ी आलोचना की है। जेडीयू ने ललित मोदी को इस तरह से मदद पहुंचाने पर विदेश मंत्री की निंदा की तो सीपीआई ने विदेश मंत्री के इस अनुचित व्यवहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सफाई मांगी है। वहीं आरजेडी ने बहुत ही नपीतुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन विपक्षी दलों से अलग रुख अख्तियार करते हुए समाजवादी पार्टी ने इस मामले में सुषमा स्वराज का खुलकर समर्थन किया है। श्रीमती सुषमा स्वराज as minister she has to explain, she has to answer to the people and the country what forced her to go and help an economic offender Mr. Lalit Modi. पहले समाज को अपना नजरिया बदल करके अपराधियों के बीच में भेदभाव बंद करना चाहिए। मैं श्रीमती स्वराज द्वारा उनको की गई मदद की निंदा करता हूँ। मेरा मानना है कि सुषमा जी ने अपनी तरफ से शुरू में कहा कि मानवीय आधार पर किया, फिर भी उससे दोष कम नहीं होता है, उसकी निस्संदेह जांच की जानी चाहिए। जब सुषमा जी ने खुद अपनी गलती मान ली है उसके बाद वो उनकी कैबिनेट में कैसे बनी हुई है, तो सवाल तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए। नरेंद्र मोदी सवाल का जवाब दे कि सुषमा स्वराज क्यों कैबिनेट में बनी हुई है, क्यों चुप है इस बारे में। इस देश में लोगों की आदत हो गई है तिल का ताड़ बनाने की। सुषमा जी ने अगर मानवीय आधार पर ललित मोदी को वीजा देने की बात कही तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए, उनका रुख करते हैं। अखिलेश, जिस तरह से सरकार और कहीं बीजेपी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, विपक्ष कितना दबाव बना पा रहा है, सुषमा स्वराज घिरती नजर आ रही है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे जब मीडिया ने कल से मामले को इतना उछालना शुरू किया तो शुरू में आधे दिन तक सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे बीजेपी का आयोजित था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया गया, फिर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, उसे भी रद्द किया गया और उसके बाद अमित शाह ने बाहर आकर मीडिया कर्मियों से बात की और उन्होंने बताया कि सुषमा स्वराज ने जो किया है उसमें कोई गलती नहीं है, मानवीय आधार पर इसे किया जा सकता है। कांग्रेस मुख्य तौर पे इसको
इसको अपना एक मुद्दा बना रही है। लेकिन कांग्रेस के अलावा अगर आप देखें समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तो विपक्ष के खेमे में भी एक विभाजन की स्थिति है। तो जिस तरह का बयान आप देख रहे हैं इन सारे राजनीतिक दलों से, और सुषमा स्वराज के बारे में खास बात यह है कि वे प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री भी हैं, तो इस मामले में वो विदेश मंत्रालय या बीजेपी के लोगों का कहना है कि उनका एक काम यह भी है कि भारत के जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं उनको भी मदद करना। और जहां तक ललित मोदी का सवाल है, ललित मोदी अगर 2010 से वहां रह रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि 2010 से रह रहे हैं और 2013 तक, 2014 तक के आधे तक जब तक यूपीए की सरकार थी, उनको वापस नहीं बुलाने की कोई मांग की गई, सिर्फ उनका पासपोर्ट इनवैलिड किया गया, रिवोक किया गया। तो मामला उस तरह का नहीं है जिस तरह का बताने की कोशिश की जा रही है, और उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस दाऊद इब्राहिम से तुलना करना यह बात बहुत ही अनुचित बात है। एक इकोनॉमिक ऑफेंडर और एक क्रिमिनल ऑफेंडर, एक टेररिस्ट, दोनों में फर्क होता है, यह बात विपक्ष को समझनी चाहिए, बीजेपी के लोगों का यह कहना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब बीजेपी और सरकार अपने तर्क को मजबूत कर रही है और विपक्ष के खेमे के अंदर विभाजन की स्थिति है, इसलिए लगता है कि यह मामला अगले एक दो दिन तक तो चलेगा, लेकिन यह कोई उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला है जितना बड़ा मुद्दा सोचा जा रहा है, क्योंकि यह मामला उस तरह के अपराध का नहीं है, यह मामला महज किसी भारतीय जो बाहर में रह रहा है उसकी मदद का है। और थैंक यू जी, यही दलील दी जा रही है कि मानवीय आधार पर मदद की पेशकश की गई, मदद की गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तरफ से, और विपक्ष से बेवजह तूल दे रहा है, ये सफाई सरकार और पार्टी की तरफ से दी गई है। आइए आगे खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में पत्रकार जोगेंद्र सिंह का परिवार बेमियादी धरने पर बैठ गया है। आरोपी राज्य मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा की बर्खास्तगी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। पुलिस के मुताबिक मंत्री की गिरफ्तारी का फैसला मौत से पहले दिए गए जोगेंद्र के बयान की जांच के बाद होगा। 1 जून को शाहजहांपुर में जोगेंद्र सिंह को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। अरविंद कुमार सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करते हैं। अरविंद जी, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और धरने की बात कही जा रही है, क्या सरकार पर इसका कोई दबाव पड़ता दिखाई दे रहा है? जी प्रीति, देखिए यहाँ तक जगेंद्र की हत्या का मसला है तो आपने देखा होगा कि पूरा एक पखवाड़ा बीत गया है और उस पर जो है अभी तक कोई खासतौर पर जो मंत्री है राममूर्ति वर्मा, जिनको लेकर के जगेंद्र ने अपने मौत के पहले जो बयान दिया था, और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि वो मौत के पूर्व जो बयान था पत्रकार का वो मंत्री की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है। लेकिन जो राजनीतिक सूत्रों में माना जा रहा है कि सरकार जो है अपने राजमंत्री को बचाने की लगातार कोशिश कर रही है, हालांकि उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के पूरे देश भर में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में पत्रकारों में बहुत ज्यादा नाराजगी है, और जगेंद्र के जो परिजन है वो भी शाहजहांपुर में धरने पर बैठे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मसला धीरे धीरे करके बहुत ही गंभीर रूख लेता जा रहा है और सरकार को दबाव में इस पर जरूर कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा और मंत्री को गिरफ्तार भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी इसमें देर हो गई और ये जो अखिलेश सरकार को इस पर काफी नुकसान उठाना पड़ा, अभी काफी आहत हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए रुख करते हैं, जोगेंद्र सिंह का परिवार धरने पर बैठ गया है। मांग की जा रही है कि इस मसले की सीबीआई जांच कराई जाए, और इसी मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में पत्रकार जोगेंद्र सिंह का परिवार बेमियादी धरने पर बैठ गया है। आरोपी राज्य मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा की बर्खास्तगी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग जोगेंद्र सिंह के परिवार की तरफ से की जा रही है। तो फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हो या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार,
देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। और आइए अब बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। देश में बढ़ते साइबर अपराध पर रक्षा मंत्री ने चिंता जताई है। उन्होंने इसे देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बाहरी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना है। जयपुर में सीमा सुरक्षा को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साइबर अपराध को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि देश को खतरा सिर्फ बाहरी ताकतों से ही नहीं बल्कि अंदरूनी वजह भी देश के शांतिपूर्ण ताने बाने को बिगाड़ने का काम कर रही है, जिस पर गंभीर मंथन की जरूरत है। जयपुर में सीमा सुरक्षा को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। लेकिन साइबर अटैक होगा, साइबर टेररिज्म होगा, वहाँ से डेंजर है सीमा को। नाउ दिस बॉर्डर इज नॉट इमेजिनेबल, लेकिन इट कैन इफ इट गेट्स कन्वर्टेड टू वॉरफेयर। रक्षा मंत्री ने सीमा पर मुश्किल हालातों के बावजूद दुश्मनों का डटकर सामना करने वाले सेना के जवानों की हौसला अफजाई भी की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सुरक्षा के बारे में जीरो टॉलरेंस। इससे पहले केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की पैरवी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूमि बिल पर बनी संसद की संयुक्त समिति की आज संसद परिसर में बैठक होगी। इसमें किसान संगठनों और दूसरे पक्षों से मिले सुझाव पर विचार किया जाएगा। समिति की तरफ से विभिन्न सार्वजनिक निकाय संगठनों और संबंधित पक्षों से विधेयक के बारे में 8 जून तक सुझाव मांगे गए थे। समिति को अपनी सिफारिश लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को मानसून सत्र के पहले दिन सौंपनी है। संवाददाता विशाल दहिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। संयुक्त समिति की आज संसद परिसर में बैठक होनी है, क्या पता लग पा रहा है विशाल, कितने बड़े पैमाने पर सुझाव सामने आए हैं जिन पर विचार होगा? देखिए, काफी सुझाव जो संयुक्त समिति है संसद की उसके सामने अभी तक पहुंचे हैं। और जैसा कि आपने बताया, 8 जून पहले तारीख तय की गई थी कि उस तारीख तक जो भी व्यक्ति या संगठन अपना सुझाव देना चाहते हैं संयुक्त समिति को इस बिल के मसौदे पर, वो सुझाव दे सकते हैं। हालांकि उस तारीख को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया था और आज की जो बैठक है उसमें भारतीय किसान यूनियन के अलावा कुछ और गैर सरकारी संगठन हैं जो मौजूद रहेंगे। कुछ किसान और किसानों के जो अलग अलग संगठन हैं उनके नेता भी मौजूद रहेंगे। ज्यादातर हरियाणा और पंजाब से जुड़े हुए किसान आज मौजूद रहेंगे इस बैठक में अपनी तरफ से सुझाव देने के लिए किस तरह के जो मसौदा है लैंड एक्विजिशन बिल का, यानी कि भूमि अधिग्रहण कानून का, उस पर कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर कुछ किसान संगठनों की तरफ से भी ऑब्जेक्शन आए थे और वो अपने सुझाव कि किस तरह से इस बिल में सुधार लाया जा सकता है वो सुझाव आज समिति के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इससे पहले भी कई बार जो अलग अलग किसान संगठनों के नेता हैं वो मिल चुके हैं संयुक्त समिति के सामने, अपनी जो सिफारिशें हैं या अपने जो सुझाव हैं वो पेश कर चुके हैं। और संयुक्त समिति के जो अध्यक्ष हैं SS अहलूवालिया, उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं अलग से और उनको भी अपनी सिफारिशें उनके साथ भी पेश कर चुके हैं। तो जिस तरह से सुझाव अलग अलग तरह अलग अलग संगठनों से आ रहे हैं उसके बाद संयुक्त समिति के पास लगभग देखा जाए तो आज के बाद 1 महीने के आसपास का समय रहेगा अपनी जो रिपोर्ट है उसे कंपाइल करने के लिए, क्योंकि मानसून सत्र का जो पहला हफ्ता होगा उस पहले हफ्ते के आखिरी दिन संयुक्त समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। कुछ और अहम खबरें। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने आज से देश भर में निःशुल्क रोमिंग सेवा शुरू कर दी है। BSNL उपभोक्ता के अब देश भर में कहीं से भी निःशुल्क रोमिंग कॉल कर सकेंगे। इसका फायदा पुराने और नए ग्राहकों को मिलेगा। BSNL की मुफ्त रोमिंग सेवा पर ट्राई ने सवाल उठाए थे। BSNL के CMD अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि ट्राई से उन्हें कोई आधिकारिक आपत्ति नहीं मिली है। इससे पहले BSNL और MTNL रात में लैंडलाइन फोन से फ्री कॉल करने की सुविधा दे चुका है। केंद्र सरकार घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की संचार कंपनियों
BSNL और MTNL को उबारने की कोशिश में है। बात मौसम की, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। रविवार को मॉनसून ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, सौराष्ट्र, दक्षिणी ओडिशा में दस्तक दी। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक पूरे देश में कुल बारिश सामान्य से ज्यादा रही है। अगले कुछ दिनों में तटवर्ती आंध्र प्रदेश, बंगाल की उत्तर पश्चिम खाड़ी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों की तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसून के बढ़ने की संभावना है। वहीं असम में बाढ़ से स्थिति और बदतर हो गई है। राज्य के 15 जिलों के 614 गांव अब भी बाढ़ से घिरे हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 317,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बरपेटा जिले में 100,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। वहीं सोनितपुर, धीमाजी, लखीमपुर, तिनसुकिया, दारांग, नलबाड़ी, ग्वालपाड़ा, जोरहाट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, बक्सा, डिब्रूगढ़, कामरूप, नौगांव, बोईगांव जिले भी बाढ़ की चपेट में हैं। बात क्रिकेट की, बांग्लादेश के खिलाफ फतेहुल्ला में एकमात्र टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में चौथे स्थान पर खिसक गई है। बारिश के चलते फतेहुल्ला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भारत 97 अंकों के साथ चौथे स्थान पर खिसक गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर पूर्व सैनिक, राष्ट्रपति से दखल की मांग, रक्षा मंत्री ने की संयम बरतने की अपील। भूमि बिल पर संसद की संयुक्त समिति की आज बैठक, किसान संगठनों के सुझाव पर करेगी विचार। ललित मोदी वीजा मामले में विदेश मंत्री के बचाव में पार्टी और सरकार, कांग्रेस ने मांगा सुषमा स्वराज का इस्तीफा, समाजवादी पार्टी ने किया समर्थन। BSNL की फ्री रोमिंग सेवा शुरू, 10 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा, बेहतर नेटवर्क के लिए लगेंगे 5,000 BTS टावर। और बारिश के चलते बांग्लादेश के खिलाफ फतेहुल्ला टेस्ट मैच ड्रॉ, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में चौथे स्थान पर खिसकी टीम इंडिया, हरभजन बने सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले नौवे गेंदबाज।